सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान हम पढ़ रहे थे कॉलेज और उनका संचालन। वीडियो नंबर 15 जारी हो रहा है। इसमें जो चैप्टर चल रहा था वो हमारा चल रहा था खनिज और ऊर्जा संचालन। अब हमने खनिज पढ़ लिए थे, उनका वर्गीकरण पढ़ लिया था और एक एक खनिज चाहे धात्विक हो अधात्विक हो ईंधन हो इन खनिजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब कुछ ऊर्जा जो संसाधन थे वो बचे थे तो मैं ट्यूशन के माध्यम से उनको बताऊंगा आपको कि एक ट्यूशन है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ट्यूशन नोट करो पहले। परंपरागत है ऊर्जा संसाधन वे गैर परंपरागत है ऊर्जा संसाधन। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है ना? एक परंपरागत, दूसरा गैर परंपरागत। अब हमें परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसमें से परंपरागत पर अध्ययन कर चुके, नाम निकालूंगा मैं उनका। दूसरा है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है ना? गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बायोगैस सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बायोगैस भूतापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है? चार हो गए सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है ना? खनिज हमने पढ़ लिए थे, इसके बाद ऊर्जा संसाधनों की बात रही। अब इस प्रश्न से थोड़ा समझने का प्रयास करना, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। यह क्वेश्चन आ जाएगा परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं, यह क्वेश्चन आ जाएगा गैर परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं, समझ गए? ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो अब सबसे पहले बात करें परंपरागत ऊर्जा संसाधन। वे संसाधन जो हमें प्राचीन काल में प्रकृति से जो प्राप्त हुए थे, किससे हुए थे? प्रकृति से हमें जो प्राचीन काल से प्राप्त होते आ रहे हैं वो कौन से संसाधन है? परंपरागत संसाधन है, समझ रहे हो? प्राचीन काल में भूगर्भ यानी प्रकृति से हमें जो प्राप्त हुआ है नेचुरल, वो संसाधन कौन से हैं? परंपरागत संसाधन है, जिसमें कोयला आता है। कौन सा संसाधन आता है? कोयला, पेट्रोलियम
और प्राकृतिक गैस हमारा कोयला जीवाश्म के माध्यम से हम निकालते हैं, पेट्रोलियम कुएं के तेल, तेल के कुएं, प्राकृतिक गैस भी तेल के कुओं से ही निकाली जाती है। इनके बारे में हम अध्ययन भी कर चुके थे, इनके बारे में हमने अध्ययन भी कर लिया था कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। मैंने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में तुमको बता दिया था कि कोयला जीवाश्म खनिज है और कोयले के प्रकार बता दिए थे कि कोयले जीवाश्म खनिज है, कोयले में एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमेंस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला मैंने बताया था, बिटुमेंस कोयला बताया था, लिग्नाइट कोयला बताया था और पेट कोयला बताया था कि कोयला कितने प्रकार का निकलता है, चार प्रकार। जीवाश्म ईंधन है ये, चार प्रकार का कोयला होता है। कोयले का हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे पिछली क्लास में कि कोयला कितने प्रकार का, चार प्रकार का, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमेंस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पेट कोयला। कोयलों को कार्बन की मात्रा के आधार पर मैंने बता दिया था एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है और सबसे घटिया अगर कोयला है तो वो पेट कोयला है। कौन सा कोयला है? पेट कोयला है। इस बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। कोयला, कोयला खानों के बारे में मैंने आपको बताया था महत्वपूर्ण रूप से कि कोयला ज्यादातर नदी घाटी में पाया जाता है, चाहे वो दामोदर नदी घाटी हो, गोदावरी हो, सोन हो, दामोदर नदी घाटी हो, गोदावरी नदी घाटी हो, महानदी घाटी हो या सोन नदी घाटी हो, इन नदी घाटियों में जीवाश्म के रूप में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। इस बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने कोयला के उत्पादक क्षेत्र नदी घाटी बताए थे। अब नदी घाटी संबंधित राज्य की दामोदर घाटी में पश्चिम बंगाल में बात करें, गोदावरी में दक्षिण प्रायद्वीप की पठारी में, महानदी प्रायद्वीप की पठार और उधर बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों में है, बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में कोयला निकाला जाता है, कोयले की खान पाई जाती है। इस बार पेट्रोलियम की बात हो गई थी कि जो पेट्रोलियम है ये भी परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा इससे प्राप्त की जाती है। हम हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, वाहन, परिवहन, रेल, जहाज, तमाम चीज़ों में जो तेल काम में लेते हैं वो पेट्रोलियम है। पेट्रोल होगा या डीजल या उसमें से तीसरा पदार्थ केरोसिन के रूप में निकाला जाता है, तेल के रूप में पेट्रोलियम भी आता है। इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे पेट्रोलियम के बारे में, और पेट्रोलियम के बारे में आपको क्षेत्र बताए थे कि असम में तेल क्षेत्र है, मुंबई तेल क्षेत्र बताए थे, गुजरात में तेल का क्षेत्र है और वहीं राजस्थान में भी। तो असम में जैसे दिग्वोई है उसके बारे में बताया था, असम में दिग्वोई तेल का कुआं सबसे पहले वहीं तेल की घोषणा, आसाम, आसाम जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है दिग्वोई हो। इसके बाद में मैंने गुजरात में बताया था, गुजरात में खंभात की खाड़ी हो, कच्छ की खाड़ी हो, सौराष्ट्र वाला जो प्रांत है वहाँ भी कुएं के तेल हैं, मुंबई हाई के बारे में बात की थी, मुंबई हाई वहाँ भी तेल के कुएं हैं, और राजस्थान के हमारे जैसलमेर बाड़मेर में तेल के कुएं रिफाइनरी बाड़मेर में लगाई गई। तो पेट्रोलियम के बारे में हम बात कर चुके थे। बात प्राकृतिक गैस, अब प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? प्राकृतिक गैस वहीं पाई जाती है जहाँ पेट्रोल पाया जाता है। पेट्रोल के जो कुएं होते हैं उनसे ही गैस निकाली जाती है, जो पेट्रोल के कुएं हैं उनसे ही गैस निकाली जाती है। ये भी वही असम का दिग्वोई क्षेत्र हो या मुंबई हाई का क्षेत्र हो, गुजरात का खंभात की खाड़ी का क्षेत्र हो या फिर राजस्थान के भी जैसलमेर का बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहाँ भी प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। तो ये प्रकृति से प्राप्त होने वाले हमको संसाधन हैं, जो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राचीन काल से प्राप्त होते आ रहे हैं, भूगर्भ से निकाले जाते हैं, परंपरागत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परंपरागत हैं, प्राचीन कहलाते हैं। क्लियर? ये बात हम खनिजों में पढ़ चुके हैं। तो परंपरागत संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन, ये मैंने को आपको बताना, परंपरागत गैर परंपरागत। अब गैर परंपरागत की बात करें तो वे संसाधन जो हमें नवीनता के आधार पर हो या अभी प्राप्त हैं
जैसे हम उसको उत्पन्न करते हैं कृत्रिम रूप से, या उनको उत्पन्न करने के लिए हमारे पास संसाधन सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, बायोगैस हो, भूतापी हो। ये सौर ऊर्जा धूप के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से प्रकृति से प्राप्त होती है, पर हम इसको, हमारे पास जो संसाधन है कि इसको भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। इनको हम नहीं बना सकते, इनको हम बना सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, रूप दे सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूता। सौर ऊर्जा जो सूर्य की किरणों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है, सौर प्लेट लगा के और सूर्य की एनर्जी को इकट्ठा कर लिया जाए ऊर्जा के रूप में और उसको फिर काम में ले लिया जाए, तो ये सौर ऊर्जा है। और राजस्थान में इसके पर्याप्त अवसर है कि हमारे यहाँ तेज धूप होती है, कड़क रेखा के आसपास का क्षेत्र हो या भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र हो, वहाँ लंबवत किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तेज धूप लंबा दिन होता है और राजस्थान में खासतौर पर देखने को मिलता है कि यहाँ तेज धूप होती है, शुष्क मौसम होता है, तो यहाँ ये एनर्जी को इकट्ठी की जा सकती है और जब भी आवश्यकता हो हम आर्य आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हवा के माध्यम से, चाहे तटीय क्षेत्र हो, गुजरात का हो, केरल, कर्नाटक का हो, तमिलनाडु का हो, तटीय क्षेत्रों में तेज हवा के माध्यम से पवन को हम ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकते हैं, ऊर्जा बना सकते हैं पवन शक्ति लगा के, ये ऊर्जा। इसके बाद बायोगैस, बायो के माध्यम से भी हम खाद, गोबर, इन तमाम चीज़ों से गले हुए पदार्थ वस्तु उनको गला के और उससे हम जो गैस उत्पन्न करते हैं बायोगैस। भूतापीय ऊर्जा भूमि के अंदर से भी हम भूमि की जो एनर्जी शक्ति है, जो गैस उत्पन्न होती है, उसके माध्यम से भी भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ये ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ये कैसे संसाधन है? गैर परंपरागत संसाधन। कैसे संसाधन है? गैर परंपरागत संसाधन है। अब इनकी बात करें तो सौर ऊर्जा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश पर्याप्त अवसर है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ इसको उत्पन्न करने के पर्याप्त अवसर हैं। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और हमारी भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित किया जा सकता है, उसको एनर्जी दी जा सकती है, ऊर्जा दी जा सकती है, लाइटें। अब ऊर्जा तमाम चीज़ों में काम आ रही है क्योंकि ऊर्जा के बिना देश का संचालन नहीं हो सकता। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तो राजस्थान, गुजरात या फिर बात हो महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। पवन ऊर्जा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे महाराष्ट्र और इसी प्रकार पवन ऊर्जा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में उत्पन्न की जा सकती है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में पवन ऊर्जा की तटीय प्रदेश है तो तमिलनाडु में इसमें आएगा, तमिलनाडु, ठीक है ना। यहाँ भी पवन ऊर्जा के प्लांट लगाए जा सकते हैं, पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। बात करें बायोगैस की तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र कर्नाटक
ये वो राज दिखा रहा हूँ मैं जय इन चीजों को उत्पन्न किया जा रहा है और भविष्य की संभावनाएं भी यहाँ अधिकतर है। तो बाय गाइस महाराष्ट्र तमिलनाडु उत्तर प्रदेश कर्नाटक बात करें भूटान की ऊर्जा तो ये ज्यादातर जैसे कुंभा घाटी है जम्मू कश्मीर की काता पानी है छत्तीसगढ़ की कुंभा घाटी अब भूटान की होता है भूटान की ऊर्जा जम्मू कश्मीर है कुंभा घाटी जम्मू कश्मीर ये भूटान की ऊर्जा की है ताता पानी छत्तीसगढ़ में है ताता पानी छत्तीसगढ़। इसके अलावा हिमाचल में भी इसके अलावा बात करें तो हिमाचल राज्य में भी हो रहा है हिमाचल में भी इसके काम लगे हुए हैं और अधिकतर संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तराखंड मध्य प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश मोस्टली में इनको उत्पन्न किया जाता है और अधिकतर इनकी संभावनाएं। तो गैर परंपरागत संचालन जैसे भविष्य को देखते हैं इसको उत्पन्न किया जा सकता है सौर ऊर्जा हो पवन ऊर्जा हो बायोगैस हो भूतापीय ऊर्जा हो ठीक है ना। राज्य संबंधित राज्य इसको उत्पन्न भी किया जा रहा है इसके प्लांट लगाए गए हैं चाहे सौर ऊर्जा के हो पवन ऊर्जा के हो बायोगैस के हो भूतापीय ऊर्जा के हो इनके प्लांट भी लगाए गए हैं और भविष्य में यहाँ से अधिकतर ये ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो ठीक है इस प्रश्न के माध्यम से मैंने आपको बताया कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन में अंतर समझ गए तुम कि जो प्राचीन काल में हमको गोबर से प्राप्त होते थे खनिज के रूप में प्राचीन काल में परंपरागत ऊर्जा संसाधन और नवीनतम ऊर्जा संसाधन अंतर समझ गए। नाम पूछ रहे हुए परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम बताइए तो कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन आ रहा है गैर परंपरागत संसाधन के नाम बताइए सौर ऊर्जा है पवन ऊर्जा है बायोगैस है भूतापीय ऊर्जा है ठीक है ना। नाम बता दोगे ना किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते हो। अब कुछ ऊर्जा ऐसी है जैसे आणविक ऊर्जा खनिज भी होते हैं आणविक ऊर्जा खनिज कौन से अलग से लिख रहा हूं आणविक ऊर्जा खनिज आणविक ऊर्जा खनिज तो आणविक जो ऊर्जा खनिज है उनके नाम भी याद होने चाहिए। नाम मैं लिख रहा हूं यूरेनियम थोरियम यूरेनियम आणविक ऊर्जा खनिजों में आते हैं यूरेनियम है यूरेनियम थोरियम है बोरिलियम है बोरिलियम है यूरेनियम है थोरियम है बोरिलियम है जिरकोन है ग्रेफाइट है। तो ठीक है अब देखो इसमें यूरेनियम ये हमारे झारखंड राजस्थान में इसकी संभावनाएं है उत्पन्न भी किया जा रहा है मालावाटर थोरियम और राजस्थान में बोरेलियम निकाला जाता है। ऐसे कुछ आ जाए आणविक खनिज आणविक खनिज में यूरेनियम थोरियम और बोरेलियम ये कौन से हैं यूरेनियम थोरियम और बोरेलियम ये आणविक खनिज है ऐसे खनिज है आणविक खनिज है इनसे संबंधित क्वेश्चन हो जवाब देना। अब यूरेनियम थोरेनियम बोरेलियम जिरकोन और लिख लो जिरकोन
जे कौन? आपसे नाम पूछेगा क्या है ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? यूरेनियम, थोरेनियम, बोरेनियम, जिंक कौन? अब यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया जा रहा है यूरेनियम। बात करें थोरेनियम की तो ये केरल तमिलनाडु में, थोरेनियम केरल मालाबार का डेटा, केरल मालाबार का डेटा केरल और कोरोमंडल तमिलनाडु, समझ रहे हो? यूरेनियम झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्यों में, थोरियम केरल में, केरल में मालाबार तट, मालाबार तट केरल का, और तमिलनाडु कोरोमंडल तट से प्राप्त किया जा रहा है थोरियम। बोरेनियम की बात करें तो ये बोरेनियम है राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, राजस्थान, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो यहाँ बोरेनियम प्राप्त किया जा रहा है। और जिरकॉन की बात करें, जिरकॉन केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु में भी ये प्राप्त किया जा रहा है। तो आने वाले संसाधनों के नाम पूछे तो यूरेनियम, थोरियम, बोरेनियम और जिरकॉन, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आणविक खनिजों के नाम बताइए। तो यूरेनियम है, थोरेनियम है, बोरेनियम है और जिरकॉन है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ऊर्जा संसाधन और खनिज वाला ये चैप्टर समाप्त होता है, क्योंकि मैंने आपको खनिजों के बारे में बता दिया, उनकी डिटेल्स बता दी, उसके बाद मैंने ऊर्जा से संबंधित जो खनिज थे, चाहे वो परंपरागत ऊर्जा के हो या गैर परंपरागत ऊर्जा के हो, उनको आज समझा दिया। इसके साथ आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले पार्ट की अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।